नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबर पक्की है, और खबर पक्की भी है कि जम्मू कश्मीर में भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आज हम इसी बात को साबित करने की कोशिश करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि जब 4 जून के नतीजों को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, तब 38% किस आंकड़े को प्रधानमंत्री मोदी बेहद खास बता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस पूरे चुनाव में अगर कोई पूछे मुझे सबसे संतोषजनक बात क्या लगी, तो मैं कहूंगा श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त की गई है, भारत के संविधान प्रति जो मोहर लगाई गई है, दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था, दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ। आखिर श्रीनगर के मतदान में ऐसा क्या हो गया, और हम आपको यहाँ 3 तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं? अगले आधे घंटे में हम इन तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे कश्मीर की एक तस्वीर ने फिर एक बार भारत के शक्तिशाली लोकतंत्र का पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशियल। कैसे पड़ोसी मुल्क से आवाज आई, पाकिस्तान को भी मोदी जैसा लीडर चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक झलक उस तस्वीर की जो सीमा के उस पार कश्मीर के खिलाफ साजिश के तार बिछाने वालों को बहुत चुभ रही होगी। तस्वीर श्रीनगर से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर बांदीपोरा की है। यहाँ की वुलर झील को और खूबसूरत बनाया जा रहा है। डल झील की तर्ज पर यहाँ भी शिकारे चलाए जा रहे हैं। वुलर का ये रंग तो सिर्फ एक झांकी है। आपको बदलते कश्मीर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले वो तस्वीर जो चुनाव के दौरान भारत के लोकतंत्र की बेहद ताकतवर छवि गढ़ती है। सोमवार को श्रीनगर में जो मतदान हुआ उसने एक नया कीर्तिमान बना दिया। 1996 के बाद ये पहली बार हुआ कि श्रीनगर में करीब 38% वोटिंग हुई। 2019 में यहाँ सिर्फ 14.43% मतदान हुआ था। 2014 में ये आंकड़ा 25.86% था, जबकि श्रीनगर में 2009 में 25.55% और 2004 में सिर्फ 18.57% वोटिंग हुई। 1999 में तो वोट का ये आंकड़ा सिर्फ 11.93% था। इस पूरे चुनाव में अगर कोई पूछे मुझे कि मोदी जी सबसे संतोषजनक बात क्या लगी, तो मैं कहूंगा कल श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त की गई है, भारत के संविधान प्रति जो मोहर लगाई गई है, इस एक घटना से ये बात साफ हो जाती है कि मोदी के काम की दिशा सही है और मोदी के प्रयास सही परिणाम लाते हैं। प्रधानमंत्री काम की जिस दिशा और जिस प्रयास की बात कर रहे हैं, उस पर पड़ोसी देश से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मोहर लगा रहे हैं। अकॉम्प्लिशमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है, और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट इट्स रिटन एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, लेकिन लौट कर आते हैं वुलर झील पर। वुलर में जब शिकारे चलेंगे तो पर्यटन आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा खूबसूरत झील है। हमारी यही गुजारिश है कि आला टूरिस्टों से कि वो यहाँ आकर वो सैर कराए इस झील से, ताकि वो खुश हो जाए।
और जब से यहाँ व्यू पॉइंट बना है, गजीबो पॉइंट यहाँ जब बना है, तब से लोगों का रश यहाँ भी बढ़ने लगा है। हमारा रोजगार भी अच्छी तरीके से दिन पर दिन ठीक हो जाएगा। सैलानियों ने घाटी की अर्थव्यवस्था में कैसे चार चांद लगाए हैं, आप इसे आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2023 में 2,12,00,000 सैलानी आए, जो कि कई दशकों का रिकॉर्ड है। वर्ष 2023 में यहां फिल्मों के लिए 100 से ज्यादा शूटिंग्स हुई। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पर्यटन के लिए गूगल पर स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा कश्मीर को सर्च किया गया। आगे आपको बताएंगे कैसे अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में बदलाव की हवा बहने लगी और सीमा पार से क्या संदेश आया है भारत की तारीफ में। ২০১৯ का चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से जुड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया और अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। अब बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की हो रही है। इस बीच कश्मीर के विकास की जो तस्वीर देखी जा रही है वो 140 करोड़ भारतीयों के लिए बेहद गौरवशाली है। और तो और, पाकिस्तान भी भारत की तारीफ करने लगा है। सचिन तेंदुलकर ने करीब 3 महीने पहले कश्मीर की ये तस्वीर शेयर की थी। ये आउट करना पड़ेगा। ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है। बिना किसी डर के यहाँ का युवा सड़कों पर उतरता है, बिना किसी भय के आम कश्मीरी मतदान करता है। जब श्रीनगर में रिकॉर्ड मतदान हुआ तब प्रधानमंत्री ने कहा, 370 की दीवार हट गई, दिल आपस में जुड़ गए। और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन रात गालियां दे रहे थे, कान खोल के सुन लो, ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। हमारे सपने, हमारे अरमान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। वाकई इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती कि अब श्रीनगर के लाल चौक पर शान से तिरंगा फहराया जाता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया। और इससे ज्यादा गौरव की बात क्या हो सकती है कि भारत जम्मू कश्मीर की जमीन पर G20 जैसा अंतरराष्ट्रीय आयोजन करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट का जो आपका फोकस है यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, नए इन्वेस्टमेंट भारत के भी और विदेशी निवेश भी, उनमें क्या आने वाले दिनों में हम नया सुनेंगे? देखिए, ओवरऑल मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो, ये किसी भी स्थान के विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। आज लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। रेलवे से कश्मीर कन्याकुमारी से इसी वित्तीय वर्ष में जुड़ने जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अच्छी सड़क से भी कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ने जा रहा है। तीसरा, एयर कनेक्टिविटी भी श्रीनगर और जम्मू की बहुत बेहतर हो गई है। पावर एक बड़ी समस्या रही है, कुल 3450 मेगावाट का जनरेशन होता था, अब लगभग
70 सालों में 3450 मेगावाट आने वाले 3-3.5 साल में लगभग इतनी बिजली हम और बना लेंगे। हेल्थ पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो जो नेशनल एवरेज है उसमें उससे बेहतर प्रदर्शन जम्मू कश्मीर का है। और तो और, कश्मीर को लेकर हर मंच पर बार बार मुंह की खाने वाले पाकिस्तान के लोग अब भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन मैं ये समझता हूँ कि 97 करोड़ लोगों का वोट डालना इस मिरेकल, इस न्यू फेज ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो क्लेम किया जाता है कि भारत इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑन द प्लानट, मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मैं समझता हूँ 4 फेजेस, चौथी फेज हुई है अभी, 63% उसका टर्न आउट है, इज रिमार्केबल। मैटर फैक्ट मैं आई एम सीइंग द इलेक्शन टेकिंग प्लेसेस एंड आई एम सीइंग द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी अप देयर एंड द राइज ऑफ इंडिया इन 2024। इट्स अमेजिंग, इट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड। आगे आपको सुनाएंगे चुनाव मैदान से कश्मीर पर दो नेताओं के दो बड़े बयान। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।